मिटी बाय एन एम कॉलेज इज ऑफरिंग टू टू थ्री न्यू कोर्सेज एंड स्टूडेंट्स आर रियली कन्फ्यूज कि कौन सा कोर्स बेनिफिशियल रहेगा बी कॉम करू की बीकॉम इकोनॉमिक्स करू कि बी एम एफ करो विच इज मैनेजमेंट एंड फाइनेंस इन दिस वीडियो आई एम टॉकट हाउ यू कैन सिलेक्ट द राइट कोर्स फॉर योर सर् बिकॉज एज यू कैन सी हेव गॉट लॉड ऑफ मैसेज इन इन बॉक्स इन कॉमेंट बॉक्स की मैम ये ले लू की ये ले लू सो इट्स नॉट लाइक ये लेना चाहिए कि ये लेना चाहिए किसका बेटर करियर प्रोस्पेक्ट है इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट राइट कोर्स लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट जिस कॉलेज अच्छा मिल गया उससे नहीं होता है आपको अगले तीन साल ये कोर्स पढ़ना है तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू टेक अ राइट डिसीजन विच इज चूजिंग द राइट कोर्स गैस वॉच द वीडियो टेल द

एंड बी कॉम मैनेजमेंट एंड फाइनेंस जो की बी कॉम ऑनर्स को उन्होंने नेम चेंज कर दिया द रीजन इज नाई अंडर एन इी तो जो एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी है वो क्या कहता है कि कॉलेजेस को सभी प्रोग्राम ऑनर्स प्रोग्राम ऑफर करने हैं नाव इन दिस केस वेन यू गैटिंग मैम अगर मैं रेगुलर बी कॉम लू तो क्या ऑनर्स होगा सी एट द एंड ऑफ द डे फोर ईयर्स का प्रोग्राम दे विल ऑफरिंग ऑनर्स आप लेना चाहते हो कि नहीं वो ऑप्शनल होगा आप डिग्री करके एग्जिट कर सकते हो फिर आपने कोई भी कोर्स लिया हो दैट्स द

जो आपको करना है जिसमें आप करियर बनाना चाहते हो उसके हिसाब से पिक एंड चूज करो द रीजन इज देर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर नॉट कन्विंस विद बी कॉम इकोनॉमिक उन्हें वो जो करिकुलम है वो ज्यादा अच्छा नहीं लगा ऑल्सो द फीस इज टू मच कंपेयर टू रेगुलर बी कॉम और जब आप करियर प्रोस्पेक्ट की बात करते हो वो सिमिलर है गाइज आज के टाइम पर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला है कि चाहे आप बी कॉम करें चाहे बी एम एस करें चाहे बैफ करें चाहे बीबीआई करें एट द एंड ऑफ द डे आपका एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज और

उनमें से आपको वो सब्जेक्ट्स भी जस्टिफाई करना है जैसे कि ओपन इलेक्टिव हो गए तो वेन यू आर चूजिंग अ कोर्स बीकॉम के साथ आपको ओपन इलेक्टिव क्या मिल रहा है प्लीज वो चेक करो बीकॉम इकोनॉमिक्स के साथ आपको ओपन क्या मिल रहा है माइनर्स क्या मिल रहे हैं वो चेक करो एट द सेम टाइम विद बी एम एफ विच इज मैनेजमेंट एंड फाइनेंस जो कि नया कोर्स है उसका सिलेबस देखो बिकॉज कॉलेज ने ओरिएंटेशन रखा है आप ये एनालिसिस खुद से कर सकते हो सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज हर इंडिविजुअल का एक्सपेक्टेशन और गोल अलग अलग है तो किसी के लिए बी कॉम अच्छा हो सकता है तो किसी के लिए इकोनॉमिक्स और किसी के लिए मैनेजमेंट एंड फाइनेंस तो आप उस तरीके से चूज करें इफ यू वॉन्ट टू गो इन मैनेजमेंट तो देन मैनेजमेंट एंड फाइनेंस थोड़ा क्लोज है इफ यू टू गो इन अकाउंटिंग एंड बैंकिंग इज अ बेटर ऑप्शन तो इस तरीके से आपको चॉइसेस बनानी और अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि एनईपी के चलते कॉलेजेस चेंज कर सकते हैं कोर्सेज चेंज कर सकते हैं आर ऑफ प्रोविजन जो एनईपी के चलते लागू होगा बट कॉलेजेस कितना रिस्ट्रिक्ट करेंगे आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे

कॉन्फिडेंस है उसे लो और आगे बढ़ो यू विल डेफिनेटली डू अमेजिंग आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फिर भी कोई डाउट है यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन दिस नंबर आई डू वन ऑन वन पर्सनल काउंसलिंग सेशन ऑल्सो गायस डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए रिगार्डिंग दिस कोर्सेज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे टून फॉर लॉर्ड ऑफ सच इन्फॉर्मेट वीडियो ऑन मीडिया मेटर डॉन्ट फर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब